हेलो फ्रेंड्स, सो वी आर स्टडिंग अ लेसन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस एंड इट्स अवर 16th लेक्चर एंड टुडे वी विल स्टडी अवर लास्ट डिसीज द लास्ट डिसीज ऑफ योर सिलेबस दैट इज एड्स. सो राइट फ्रॉम अमीबियासिस वी स्टडीड मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिसीजेस एंड टुडेज लास्ट वन इज द एड्स. सो आज हमें एड्स ये डिसीज पढ़ना है जिसके बारे में आपने 10th तक पढ़ा है बहुत कुछ और आप जानते भी हो. सो व्हाट इज मीन बाय एड्स, रिवाइज करो मेरे साथ में. उसका लॉन्ग फॉर्म आप जानते हो. सो एड्स इज नथिंग बट दी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. अगेन क्या बोला जाता है एड्स को? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. ओके, एक्वायर्ड इम्यूनोड एक्वायर्ड मतलब जिसने जिसके आपने एक्वायर किया है. ओके, इम्यूनो रिलेटेड विथ यूअर इम्यून सिस्टम. डेफिशिएंसी जिस डिसीज में किसी न किसी चीज की मतलब इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी होंगी. सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब रहता है ग्रुप ऑफ डिसीजेस. सिंड्रोम का मतलब रहता है, नोट डाउन कर लो, सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप ऑफ डिसीजेस. सो दिस इज नोन एज द एड्स. सो क्या रहता है एड्स का मतलब, फिर से रिपीट करो, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. समझ में आया? ऐसा सिंड्रोम, ऐसे ग्रुप ऑफ डिसीजेस जिसमें आपकी इम्यून सिस्टम टोटली ड्रॉप हो जाएगी. पर्सन जो है जिसे एड्स हो रहा है उस पर्सन का इम्यूनिटी टोटल ड्रॉप हो जाता है. इम्यूनिटी पूरी तरीके से ड्रॉप होने की वजह से द पर्सन कैन बी ससेप्टिबल टू डिफरेंट टाइप ऑफ द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस. अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, नोट डाउन माय वर्ड, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस. अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस मतलब ऐसे इन्फेक्शन जो नॉर्मल हेल्दी इंसान में नहीं होते. मीन्स अगर हमें सर्दी होगी तो हमारी जो सर्दी है वो वहीं तक लिमिट रहेगी ना. बट जिस इंसान को एड्स होता है, जिसका इम्यूनिटी पूरी तरीके से वीक हो चुका है, ऐसे इंसान को साधारण सी सर्दी खांसी भी अगर होती है तो भी इट कैन रिजल्ट इनटू निमोनिया एंड ट्यूबरक्यूलोसिस. तो पर्सन का जो डेथ है वो एड्स की वजह से होता है क्या? नहीं, पर्सन की डेथ होती है ड्यू टू द डिफरेंट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस. अलग अलग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो एड्स के वजह से उसके बॉडी में आ रहे हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ दैट पर्सन. क्लियर? सो एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें पर्सन का इम्यूनिटी पूरा वीक हो जाएगा. सो इट कैन रिलेटेड और इट कैन कॉज डिफरेंट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन. अलग अलग इन्फेक्शन हो सकते हैं, निमोनिया टीबी जैसे, और उन इन्फेक्शन की वजह से इंसान की होती है डेथ. तो ये एचआईवी, ये एड्स जो है ये कौन कॉज करता है? सो एड्स इज कॉज्ड बाय अ वायरस. यस, एक वायरस है जो एड्स कॉज करता है. नाम आप जानते हैं, एचआईवी. व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ एचआईवी? रिपीट करो मेरे साथ, इट इज. एचआईवी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस मतलब ऐसा वायरस जिसमें ह्यूमंस का इम्यूनिटी पूरी तरीके से ड्रॉप हो जाता है. ऐसा वायरस जिसमें ह्यूमंस की इम्यूनिटी पूरी तरीके से सप्रेस हो जाती है, ऐसे वायरस को बोलेंगे, मतलब ऐसे वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. ऐसा वायरस जो ह्यूमंस की इम्यूनिटी को पूरा डाउन कर देता है. तो ऐसा इस वायरस में क्या है कि आज तक हम इसका क्यूर नहीं ढूंढ पाए हैं? यस, क्यूर आज तक, बिकॉज द फर्स्ट केस ऑफ एड्स वॉज इन यूएसए इन द ईयर 1981. पहला एड्स का केस यूएसए में मिला 1981 में. एंड द सेकेंड केस इन इंडिया, मतलब इंडिया का जो फर्स्ट केस था, इन इंडिया द फर्स्ट केस ऑफ एचआईवी पॉजिटिव या कंफर्म्ड केस ऑफ एड्स वॉज इन द ईयर 1986 अप्रैल. तो अप्रैल मंथ में 1986 में इंडिया में पहला कंफर्म एड्स का केस मिला है.
सो राइट फ्रॉम दैट 1981 अप टू दिस 2020 अब तक भी हमारे पास एड्स का प्रॉपर 100% क्यूर अवेलेबल नहीं है. सो व्हाट इज दैट इन दैट एचआईवी, ऐसा क्या है एचआईवी में कि हम उसको क्यूर नहीं कर पा रहे हैं. सो इसीलिए हम एचआईवी के बारे में अभी पहले समझ लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर समझते हैं. सो एचआईवी इज अ काइंड ऑफ रेट्रोवायरस. कौन से टाइप का वायरस है एचआईवी? रेट्रोवायरस. अब रेट्रोवायरस का मतलब क्या, पहले ये समझ लो. एक ऐसा वायरस जो कि जब बाहर रहता है, बाहर मतलब एटमॉस्फियर में, ये वायरस जब बाहर एटमॉस्फियर में रहेगा तब इसका जेनेटिक मटेरियल रहता है आरएनए. यहां पर एचआईवी की डायग्राम ड्रॉ करके रखी है मैंने, अभी हम ये भी समझने वाले हैं. तो एचआईवी की डायग्राम में सबसे सेंटर में देखिएगा, यहां पे आपको ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, इनफैक्ट दो सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं. सो सेंटर में ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड है और ये दूसरा सिंगल स्ट्रैंडेड, एक ही स्ट्रैंड वाला मॉलिक्यूल है. दीज आर दी आरएनए. कितने आरएनए है यहां पर? दो. तो दो आरएनए आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं सेंटर में. तो जब एचआईवी बाहर रहेगा, एटमॉस्फियर में रहेगा, तब उसका जेनेटिक मटेरियल कौन रहेगा? आरएनए. क्लियर? बट एज सून एज द वायरस एंटर्स इन अवर बॉडी, जैसे ये वायरस हमारे बॉडी में चला जाता है, द एचआईवी अटैक ऑन अवर टी लिम्फोसाइट्स. याद करो इसी लेसन में कुछ दिनों पहले आपको लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ाया है. दो तरह के डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट्स, दो टाइप के होते हैं. बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाते हैं, टी लिम्फोसाइट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, कुछ दिनों पहले ही हमने पढ़ा है. तो टी लिम्फोसाइट या फिर टी सेल्स में भी अलग अलग टाइप होते हैं. तो एट दिस स्टेज ऑफ सिलेबस, अभी ये स्टेज में हमें और डिटेल में तो नहीं जाना है, बट यू हैव टू रिमेम्बर दैट एचआईवी विल अफेक्ट द CD4 टी सेल्स. समझ में आ रहा है? एचआईवी टी सेल्स को अफेक्ट करता है. एचआईवी जैसे आपके बॉडी में चला जाएगा, एचआईवी सीधा अटैक किस पे करता है? CD4. CD4 क्या है? तो टी सेल्स का, टी लिम्फोसाइट का एक टाइप है, इतना ही याद रखना है. तो हमारे बॉडी में जो टी सेल्स है उन पर एचआईवी डायरेक्टली जाकर के एक्ट करता है, और टी सेल्स के अंदर जाने के बाद अब क्या करता है देखो. तो एचआईवी जब बाहर है, एचआईवी बाहर जब है तब उसका जेनेटिक मटेरियल कौन है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. जैसे एचआईवी हमारे बॉडी में गया, कहां पे गया? टी सेल्स के अंदर. तो टी सेल्स के अंदर ये रेट्रोवायरस करता है उसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जानते हैं ना आप, हमने जीन चैप्टर पढ़ा है. जीन चैप्टर में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशंस ऐसे टॉपिक हमने बहुत टाइम देके रिवाइज करके लर्न करके पढ़े हैं. तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या था? डीएनए का कन्वर्जन आरएनए में होना. और ट्रांसलेशन का मतलब क्या था? आरएनए का कन्वर्जन प्रोटीन में होना. डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन. आरएनए से वापस अगर डीएनए बनता है, आरएनए से वापस अगर डीएनए बनता है तो उसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. बायोटेक्नोलॉजी वाले लेसन में पढ़ चुके हैं आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. तो यहां पे ये जो हमारा एचआईवी वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, बाहर एटमॉस्फेयर में पड़ा है तो उसका जेनेटिक मटेरियल है आरएनए. जैसे बॉडी में जाएगा, टी सेल्स के अंदर जाएगा, टी सेल्स के अंदर जाके अपने आरएनए का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा. और ये करने के लिए इसके पास में ये एंजाइम्स है. देखो ये एंजाइम यहाँ पे लेबल किया है मैंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. तो इनके पास में ये एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. इसकी मदद से ये आरएनए का कन्वर्जन किस में कर लेगा? डीएनए में. और मजे की बात तो अब है, ये जो डीएनए बना, ये डीएनए हमारे डीएनए के अंदर जाकर मिक्स हो जाता है. आरएनए से डीएनए बना और ये डीएनए हमारे डीएनए में जाकर मिक्स हो गया. अब मुझे बताओ आप दवाई बनाओगे किस चीज के लिए? एंटीबायोटिक्स या जो भी आप दवाई खाओगे एचआईवी को मारने के लिए, उसे मारोगे कैसे?
क्योंकि एचआईवी आपके बॉडी में गया, बॉडी में जाने के बाद वो आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट हो गया और ये जो डीएनए है वो आपके डीएनए के साथ जाके मिक्स हो चुका है, तो इसीलिए 100% उसको क्यूर करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज वो अभी आपके डीएनए का पार्ट हो चुका है। ये एक बात। दूसरी बात, अब ये जो वायरल डीएनए है, वायरस का जो डीएनए है जो अभी आपके डीएनए के अंदर मिक्स हो चुका है, ये शांत नहीं बैठता, ये और भी नए एचआईवी के पार्टिकल्स तैयार करना चालू कर देता है। एक दिन में हजारों नए पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली तैयार होते हैं। ये तो समझ में आ रहा है ना, मतलब एचआईवी बॉडी में गया, टी सेल्स के अंदर गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया, डीएनए आपके डीएनए में चला गया, पर वो वायरल डीएनए कंटिन्यूअस नए एचआईवी के पार्टिकल बनाएगा और ये नए जो एचआईवी पार्टिकल्स तैयार हो रहे हैं दे विल इन्फेक्ट यूअर अनदर बॉडी सेल्स। ये आपके दूसरे बॉडी सेल्स को भी क्या करेंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे। सो दिस इज अबाउट द एचआईवी कि आपके बॉडी के अंदर ये करता क्या है। अब इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, करता क्या है, समझ में आ गया, क्लियर नहीं आया है तो फिर से रिवाइंड करके वीडियो देखिए आप, दो तीन बार मैंने रिपीट किया है कि ये क्या करेगा बॉडी में जाकर के। ओके, एक तो सबसे पहली बात तो टी सेल्स पर अटैक कर रहा है, टी सेल्स पर अटैक करने से आपका इम्यून सिस्टम पूरा ड्रॉप हो जाएगा और टी सेल्स के अंदर और नए वायरस के पार्टिकल्स भी बना रहा है, मतलब तो पूरे बॉडी में ये अभी फैलने वाला है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो ये जो हमारे एचआईवी भाई साहब है, हाँ, इनका जो स्ट्रक्चर है इट इज स्पेरिकल शेप, हाँ शेप है इनका स्पेरिकल, स्पेरिकल सर्कुलर शेप है और डायमीटर में है 100 to 140 नैनोमीटर, 100 to 140 नैनोमीटर इनका डायमीटर रहेगा और इनका शेप जो रहता है इट इज स्पेरिकल इन अ शेप। तो इस एचआईवी पे चार अलग अलग लेयर का रहता है कोटिंग, एचआईवी पर चार अलग अलग लेयर का क्या रहता है, कवर रहता है कोटिंग। तो सबसे आउटर मोस्ट जो दो लेयर है जो इस डायग्राम में आप देख रहे हो, सी ये जो सबसे आउटर मोस्ट आपको दो लेयर दिखाई दे रही है, दीज आर द लिपिड कोट, जो ब्लैक कलर में आपको सबसे आउटर मोस्ट ये दो लेयर दिखाई दे रही है, ये दो लेयर मतलब उसका कौन है, लिपिड कोट, लिपिड्स का कवरिंग है। इस लिपिड कोट के बीच बीच में, लिपिड कोट के बीच बीच में आपको कुछ यहाँ पे एंटीनी दिखाई दे रहे हैं, रिसेप्टर दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर से जो ड्रॉ किए हैं। सो दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स के बीच बीच में रिसेप्टर्स है लिपिड कोट के बीच में। ये रिसेप्टर दो टाइप के है, वन इज ग्लाइकोप्रोटीन 120 और दूसरा रहता है ग्लाइकोप्रोटीन 41। ज्यादा डिटेल में हमें 120 या 41 के नहीं जाना है, बस आप याद रखो कि दो लिपिड के कवर है स्फेरिकल शेप के, उन लिपिड कवर के बीच बीच में रिसेप्टर्स है ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने हुए, ग्लाइकोप्रोटीन 120, ग्लाइकोप्रोटीन 41। इन दो लिपिड कोट के अंदर, ये दो जो लिपिड कोट है, दो लिपिड कोट के अंदर और दो कोट है प्रोटीन्स के, देखो ये दो, ये और दो कोट किस चीज के बने हैं, प्रोटीन के, आउटर दो कोट लिपिड के हैं, दो लिपिड कोट के अंदर और दो लिपिड कोट आप देख रहे हो, दीज टू आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन। इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर आप देख रहे हो, दिस इज द मैट्रिक्स प्रोटीन P17, प्रोटीन्स के दो कोट दो लेयर आपको मिलेंगी आउटर मोस्ट, ये जो है इट इज द मैट्रिक्स प्रोटीन P17 और इसके बाद जो आपको अंदर मिलेगा ये, दिस इज द कैप्सिड प्रोटीन P24। एक रहता है मैट्रिक्स प्रोटीन P17, उसके अंदर दूसरा है कैप्सिड प्रोटीन P24। तो चार लेयर हो गई, आउटर मोस्ट टू लेयर दीज कॉम्प्रोमाइजेस लिपिड कोट, बीच बीच में ग्लाइकोप्रोटीन है GP120 GP41, इनर टू लेयर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन जिसमें आउटर इज द मैट्रिक्स प्रोटीन P17, इनर इज द कैप्सिड प्रोटीन P24। इन चार लेयर के अंदर अब बसे हुए हैं दो आरएनए के मॉलिक्यूल, कौन से टाइप का आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड, सो दीज टू आर दी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल और इन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल के बीच बीच में आपको और क्या मिलता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जिस एंजाइम की मदद से
ये हमारे बॉडी में जाने के बाद आरएनए का बनेगा डीएनए और वो डीएनए हमारे डीएनए में ज्वाइन हो जाएगा, देन इट विल फॉर्म न्यू वायरल पार्टिकल्स। सो आरएनए टू डीएनए बनाता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है रेट्रोवायरस। स्ट्रक्चर समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर विद द स्ट्रक्चर नाउ। अब ये वायरस एचआईवी हमारे बॉडी में ज्यादा से ज्यादा हमें कहाँ मिलते हैं, मैक्सिमम वायरसेस के जो पार्टिकल्स है ये हमारे बॉडी में हमें कहाँ पे मिलते हैं, ओके। सो इन द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन एचआईवी ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ब्लड में रहता है, ब्लड, सीमेन, सीमेन मतलब लिक्विड कंटेनिंग मेल गमिट स्पर्म्स, जिस लिक्विड में स्पर्म्स या मेल गमिट होते हैं उसे बोलेंगे सीमेन। सो ब्लड, सीमेन एंड सी एस एफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ये रहता है, तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में रहने वाला सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सीमेन एंड ब्लड, इन तीनों जगह में एचआईवी वायरस के पार्टिकल्स ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन में, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में रहते हैं। कम कॉन्सेंट्रेशन कहां पे रहेगा, सो एचआईवी इज प्रेजेंट इन लेसर कॉन्सेंट्रेशन, कम कॉन्सेंट्रेशन रहता है इन टीयर्स, ब्रेस्ट मिल्क जो मदर चाइल्ड के लिए रिलीज करेंगे ब्रेस्ट मिल्क, उसमें यूरिन, सलाइवा, सर्वाइकल एंड वजाइनल सिक्रीशन। सर्विक्स एंड वजाइना आर दी पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्विक्स और वजाइना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट ही है, तो वहां पे जो सिक्रीशंस हो रहे हैं फीमेल में उसमें कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है, बट मेल का जो सीमेन है उसमें कॉन्सेंट्रेशन एचआईवी पार्टिकल्स का ज्यादा रहता है, ओके। अब प्रेजेंट तो एचआईवी इतनी जगह पे रहता है, बट ये ट्रांसफर कैसे होता है, सो ट्रांसफर के लिए जस्ट तीन मोड है ट्रांसफर के, जो कि कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। सो एचआईवी कैन ट्रांसमिट थ्रू अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सो मेल एंड फीमेल के बीच में जो अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो रहा है उसमें मेल अपने सीमेन के थ्रू फीमेल में एचआईवी ट्रांसफर कर सकता है। सेकेंड, ब्लड, किसी एक इंसान का ब्लड अगर दूसरे को ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है, दिया जा रहा है, और वो ब्लड जो देने वाला है डोनर, वो डोनर अगर एचआईवी पॉजिटिव है तो सामने वाला इंसान भी हो सकता है, या फिर एक पेशेंट को जो नीडल यूज की है वही नीडल अगर दूसरे पेशेंट के लिए यूज करते हैं तो भी एचआईवी ट्रांसफर हो सकता है। मदर टू चाइल्ड, अगर एक मदर प्रेग्नेंट है तो उसके प्रेगनेंसी में वो अपने एचआईवी को प्लासेंटा के थ्रू बच्चे तक पहुंचा सकती है, समझ में आ रहा है, अगर एक मदर प्रेग्नेंट है तो अपने प्रेगनेंसी में एचआईवी को प्लासेंटा के थ्रू चाइल्ड तक पहुंचा सकती है, या फिर आफ्टर द चाइल्ड बर्थ होने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग से भी एचआईवी बच्चे तक जा सकता है, ठीक है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग से भी एचआईवी बच्चे तक जा सकता है, या ब्रेस्ट मिल्क से जा सकता है, या फिर प्लासेंटा को क्रॉस करके भी जा सकता है। बट अगर जिसको एचआईवी है वो अगर रोता है और अगर आप उसके आंसू पोंछते हो तो टीयर से ट्रांसफर होगा क्या, नहीं। जिसे एचआईवी है वो अगर कहीं पे थूकता है और उसकी सलाइवा के आप कॉन्टेक्ट में आते हो तो एचआईवी होगा क्या, नहीं। यहां से ट्रांसफर है, ट्रांसफर के बस ये तीन मेथड है जो मैंने अभी अभी आपको बताया। इन तीनों कॉमन मोड्स ऑफ ट्रांसफर के अलावा कुछ दो मेथड है रेयर ट्रांसफर की जो टेक्स्ट बुक में दी है। एक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मैंने आपको एनिमल हस्बेंडरी पढ़ाते वक्त बताया है, जैसे ब्लड बैंक होती है वैसे सीमेन बैंक भी होती है, जहां पे डोनर मेल्स के सीमेन को स्टोर करके रखा जाता है। अब जो सीमेन स्टोर करके रखा है वो किसका है वो नाम डिस्क्लोज नहीं होता। इसका बेनिफिट क्या है, तो सपोज एक लेडी है जो कि मदर बनना चाहती है बट किसी टेक्निकल फॉर्मेलिटीज की वजह से वो नहीं बन पा रही है, मीन्स एक सिंगल मदर है, एक सिंगल लेडी हु वांट्स टू बी अ मदर, तो उस केस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से मतलब सीमेन बैंक में जो सीमेन है वो लेडी के बॉडी में डॉक्टर्स रिलीज करेंगे थ्रू इंजेक्शन
एंड देन शी कैन कंसीव द चाइल्ड। ओके, तो ये जो सीमेन ट्रांसफर हो रहा है आर्टिफिशियली, वो कभी कभी एचआईवी पॉजिटिव का अगर रहा तो एचआईवी ट्रांसफर हो सकता है, बट द केस इज वेरी वेरी रेयर, ऐसा होगा ही नहीं। पहले ही सारी जो भी फॉर्मेलिटीज है, जो भी चेकअप है, वो करके हेल्दी इंसान का सीमेन लिया जाता है। सेकेंड, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। सुना होगा आपने, किसी का हार्ट, किसी के लीवर, किसी की किडनी दूसरे को फिट कर सकते हैं, बिठा सकते हैं। तो एक आधे पर्सन का अगर किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, किसी और की किडनी हमने उसको दे दी है, किसी और की मतलब गाय बैल बकरी की नहीं, किसकी, दूसरे इंसान की। तो अगर दूसरे इंसान की किडनी हमने एक इंसान को दी है, ओके, तो उसके थ्रू भी एचआईवी आ सकता है, बट ऐसा भी बहुत ही रेयरेस्ट केसेस में होगा, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट जैसे बड़ा ऑपरेशन अगर कोई कर रहा है तो ऑफकोर्स पहले सारा चेकअप तो होता ही होता है। तो ये रेयर केस है, आपको तीन मेथड जो है, अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, ब्लड एंड मदर टू चाइल्ड, यही यहाँ पे आपको याद रखना है। ओके, अब अगर एचआईवी ट्रांसफर हो गया तो सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एचआईवी। तो एचआईवी के जो सिम्टम्स है, दे आर डिवाइडेड इनटू फोर कैटेगरीज। एचआईवी के सिम्टम्स फोर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। पहली कैटेगरी जो है, इट इज द इनिशियल इन्फेक्शन। इनिशियल इन्फेक्शन में क्या होगा, एज सून एज एचआईवी एंटर्स इन यूर बॉडी। अब मैंने आपको इसी लेसन में स्टार्टिंग में ही बताया है कि आपके बॉडी में कोई भी एंटीजन जाएगा तब आपकी बॉडी उसके लिए क्या बनाएगी, यस, एंटीबॉडीज। जैसे एंटीजन आपके बॉडी में गया, आपकी बॉडी क्या बनाएगी उसके लिए, एंटीबॉडीज बनाती है। वैसे ही एचआईवी पार्टिकल आपके बॉडी में आया, टी सेल्स की तरफ गया, उसने टी सेल्स का इन्फेक्शन किया है, टी सेल्स के अंदर एचआईवी अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, वो सब कुछ तो हो रहा है, बट आपकी बॉडी क्या बना रही है, एंटीबॉडीज। सो इनिशियल इन्फेक्शन मतलब क्या होगा, एंटीबॉडीज डेवलप आफ्टर 2 to 8 weeks, 2 से 8 हफ्ते लगते हैं एंटीबॉडीज बनाने के लिए। फिर आप बोलोगे, मैम अगर एंटीबॉडीज बन रही है तो व्हाट इज द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज दैट जो पार्टिकल आपके बॉडी में गया, जो पार्टिकल आपकी बॉडी ने रिकॉग्नाइज किया, स्पेशली आपकी बॉडी रिकॉग्नाइज क्या करती है, इन्हें GP120, GP41, ये जो रिसेप्टर्स है ना, ग्लाइकोप्रोटीन कोड पे जो रिसेप्टर है, इनके लिए आपकी बॉडी बना रही है एंटीबॉडीज। बट द प्रॉब्लम इज कि उसके अंदर का ये जो आरएनए है, ये डीएनए में कन्वर्ट हो गया और वो आपके डीएनए में जाकर घुस गया है। तो अब ये जो वायरल डीएनए है, ये बहुत सारे नए वायरस पार्टिकल बना रहा है, बहुत सारे नए वायरल पार्टिकल्स कंटिन्यूअस आपकी बॉडी में तैयार होते जा रहे हैं। तो आपकी जो एंटीबॉडीज है वो कितने वायरस इसको मारेंगी और कब तक मारेंगी, क्योंकि ये वायरसेस जो स्पीड से तैयार होते हैं आपके बॉडी में, दैट इज वेरी फास्ट, इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट इनिशियल इन्फेक्शन में आपकी बॉडी एंटीबॉडीज डेवलप करती है एचआईवी वायरस के लिए 2 से 8 हफ्ते में, 2 to 8 weeks। सेकेंड, असिम्टोमैटिक कैरियर। देखो, बहुत बार एक पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव होने के बाद भी एड्स एक्वायर नहीं करता। रिपीट करते हैं, बहुत बार एखादा पर्सन एचआईवी पॉजिटिव होने के बाद भी एड्स को एक्वायर नहीं करता। मतलब क्या, तो ये पर्सन है एचआईवी पॉजिटिव, मतलब इसके बॉडी में क्या गए हैं, एचआईवी वायरस गया है, पर ये एचआईवी वायरस उसके बॉडी में शांत बैठा है। यस, कभी कभी एचआईवी इट कैन बी इन अ लैटेंट स्टेज इन लिम्फोसाइट्स, जो आपके लिम्फोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट्स, उनके अंदर जाके कभी कभी ये शांत बैठा रहता है। इट कैन बी इन अ लैटेंट स्टेज, कुछ नहीं करेगा, ये लंबे समय तक शांत बैठेगा, आपकी बॉडी उसे रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाएंगी, वो शांत बैठा हुआ है। ओके, इस केस में वो पर्सन को तो एड्स नहीं हुआ, पर ये जो पर्सन है जिसके बॉडी में एचआईवी है, ये अपना एचआईवी लोगों को ट्रांसफर जरूर कर सकता है। समझ में आया ना, एचआईवी पॉजिटिव पर्सन को खुद को सिम्टम्स नहीं है, बट इट कैन ट्रांसफर एचआईवी टू अदर पीपल। सो ही इज द असिम्टोमैटिक कैरियर, असिम्टोमैटिक जिसमें सिम्टम्स नहीं है, बट ही इज द कैरियर।
एंड यू नो द वर्ड कैरियर, हमने सिकल सेल एनीमिया और कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, इन डिसीज में कैरियर ये वर्ड पढ़ा है। असिम्प्टोमेटिक कैरियर इंक्यूबेशन 6 months to 10 years, तो एक पर्सन 6 महीने तक असिम्प्टोमेटिक रह सकता है या फिर 6 महीने से लेकर के तो 10 साल तक भी, मतलब आज एचआईवी बॉडी में गया तो यहां से लेकर अगले 10 साल तक भी उसे नहीं पता चलेगा कि आई एम एचआईवी पॉजिटिव, कोई सिम्टम्स नहीं है, तो 10 साल तक ही विल बी असिम्प्टोमेटिक बट ही कैन ट्रांसफर द इन्फेक्शन टू अदर पीपल्स। देन थर्ड जो स्टेज रहती है सिम्टम्स की, इट इज द ARC, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, ARC, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। यहां पर क्या होता है, कुछ सिम्टम्स दिखाई देना चालू रहता है, जैसे कि रिकरेंट फीवर फॉर लॉन्गर टाइम, 1 महीना या 1 महीने से भी ज्यादा उस इंसान को बुखार रहेगा, सारी टेस्ट निगेटिव आ रही है, किसका बुखार है, मलेरिया का है, टाइफाइड का है, सब निगेटिव, बट फिर भी वापस बुखार आ रहा है, और जो बुखार आता है वो शायद 1 महीने से भी लंबा चलेगा। सो लॉन्गर फीवर, फीवर फॉर लॉन्गर टाइम, ये एक सिम्टम रह सकता है, ओके। या फिर दूसरा है फटीग, कंटिन्यूस उसे थकान महसूस होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में उसे प्रॉब्लम जाएगा, ओके। नाइट स्वेट्स, रात में खास करके बहुत सारा स्वेटिंग होगा, बहुत पसीना आएगा उसे रात में, डायरिया, अनसर्टन डायरिया, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है नहीं पता, बट अनस्टॉपेबल डायरिया होगा, लॉस ऑफ बॉडी वेट, उसका जो बॉडी वेट है उससे कम से कम 10% तो बॉडी वेट उसका लॉस होना ही होना है कुछ दिन में, तो फीवर, लॉस ऑफ बॉडी वेट, फटीग, डायरिया, नाइट स्वेटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये कुछ सिम्टम्स है जो ARC वाले स्टेज में, थर्ड स्टेज में उस पर्सन में दिखाई देंगे, ओके। नाउ फोर्थ केस, मतलब HIV कंप्लीट डेवलप हो चुका है इनटू दी एड्स, पर्सन ने पूरी तरीके से एड्स को डेवलप कर लिया है, मतलब द पर्सन इज ससेप्टिबल टू अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, द पर्सन इज ससेप्टिबल टू अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, सादी सर्दी, सादी खांसी जो कि अपने आप ठीक होनी चाहिए, वो भी निमोनिया या ट्यूबरक्यूलोसिस जैसी बीमारियों में कन्वर्ट हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि ये पर्सन का इम्यूनिटी पूरा वीक हो चुका है, अब ये पर्सन बोल रहे हैं वेल मुझे मार, आ जाओ सारे इधर उधर के इन्फेक्शन आ जाओ और मुझे मारो, ऐसा वो पर्सन बोल रहा है, तो ऐसे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन उसको होंगे जिस वजह से उसकी डेथ हो सकती है। तो 4 स्टेजेस है, पहली है इनिशियल इन्फेक्शन, फिर असिम्प्टोमेटिक कैरियर, फिर एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, लास्ट में कंप्लीट एड्स उस पर्सन को हो चुका है, ओके। तो 4 स्टेजेस है सिम्टम्स के। अब एड्स के लिए 100% क्यूर तो कोई नहीं है, थेरेपी नहीं है कि हम 100% एड्स को ठीक कर सके, तो ऑप्शन क्या है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर इन केस ऑफ एड्स, जो मैंने आपको ये 3 मोड बताए हैं ट्रांसफर के, HIV कैन ट्रांसमिट थ्रू, इन 3 मोड को अगर अवॉइड करेंगे तो शायद HIV को अपने आप अवॉइड किया जा सकता है। तो ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है क्या, कुछ तो ट्रीटमेंट अब तक निकल गया होगा HIV के लिए, यस, सम ड्रग्स आर देयर, कुछ दवाइयां हैं जिन्हें एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स बोलते हैं, HIV रेट्रोवायरस है ना, इसीलिए दवाइयों को नाम दिया है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। सो सम एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स आर देयर, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, तो ये एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स HIV को पूरी तरीके से खत्म नहीं करते, बट दे कैन डिक्रीज द वायरल लोड इन योर बॉडी, डिक्रीज द वायरल लोड मतलब आपके बॉडी में जो HIV, सपोज अगर 1000 HIV प्रेजेंट है और अगर आप दवाइयां खाते हो, दवाई खाने के बाद हो सकता है कि 1000 से 500 हो जाए या और कुछ कम हो जाए, तो यू कैन डिक्रीज द लोड ऑफ HIV इन योर बॉडी, HIV वायरस या पार्टिकल का जो नंबर है वो डिक्रीज किया जा सकता है कुछ ड्रग्स यूज करके। कौन कौन से ड्रग्स हैं, सो टीनोफोविर, इफेविरेंस एंड लैमिव्यूडिन, 3 ड्रग्स है, मेरे साथ 3 बार रिपीट करो, क्या क्या, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स में 3 नाम है, टीनोफोविर, इफेविरेंस, लैमिव्यूडिन, अगेन फिर से रिपीट करो एक बार, टीनोफोविर, इफेविरेंस,
लेमिव्यूडिन टेक्सटबुक में दिए हैं. सो दीज थ्री ड्रग्स आर नॉर्मली यूज टू इम्प्रूव और टू प्रोलोंग द लाइफ ऑफ दैट पर्सन. उसकी लाइफ का जो स्पैन है, अगर वो 10 साल में मरने वाला है तो हो सकता है 15 साल में मरेगा. उसका लाइफ का पीरियड इंक्रीज कर सकता है, बट कंप्लीट एचआईवी को क्यूर नहीं किया जा सकता. सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर. और एक पॉइंट हमने यहाँ पे स्किप किया है, डायग्नोसिस. कैसे पहचानेंगे, कौन सी टेस्ट करेंगे और जानेंगे कि इंसान को एचआईवी हुआ है? सो डायग्नोसिस, हाउ इट इज परफॉर्म. डायग्नोसिस के लिए दो टेस्ट है. इनिशियल, सबसे पहली जो टेस्ट की जाती है उसका नाम है एलाइजा. व्हाट इज एलाइजा? एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट असे. अगेन, व्हाट इज मीन बाय एलाइजा? एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट असे. एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट असे. इनिशियल लेवल पर एलाइजा किया जाता है टेस्ट, और बाद में कुछ दिनों के बाद और एक 100% कंफर्मेशन के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट की जाती है, जिसका नाम है वेस्टर्न ब्लॉट. आपको कुछ सदर्न ब्लॉटिंग वगैरह याद है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में याद करो, सदर्न ब्लॉटिंग करके स्टेप था, बस वैसा ही ये किया जाता है. इसको नाम देते हैं वेस्टर्न ब्लॉट. ठीक है, प्रोसीजर वही रहेगा. तो यहां पर एलाइजा वेस्टर्न ब्लॉट दो टेस्ट की जाती है. दोनों टेस्ट में आपके बॉडी के अंदर में जो एंटीबॉडीज है, यहाँ पे मैंने बताया फर्स्ट स्टेज में बॉडी में क्या डेवलप हो रही है, एंटीबॉडीज. सो बोथ द टेस्ट चेक्स द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन यूअर ब्लड. हमारे ब्लड में, हमारे बॉडीज में एचआईवी वायरस के अगेंस्ट की जो एंटीबॉडीज है उनको सर्च किया जाता है. अगर वो मिल गई तो एचआईवी हुआ है, और अगर वो एंटीबॉडीज नहीं मिली मतलब द पर्सन इज एचआईवी निगेटिव. समझ में आया? एचआईवी बॉडी में जाने के बाद कितने हफ्तों में बोला है? 2 to 8 weeks. 2 से 8 हफ्तों में एंटीबॉडीज बनती है. इन एंटीबॉडीज को ही, स्किन के प्रेजेंस को ही चेक किया जाता है बाय टू टेस्ट, एलाइजा एंड वेस्टर्न ब्लॉट. क्लियर? सो इट इज एवरीथिंग अबाउट दी एड्स. एक बार फिर से रिपीट करते हैं, रिवाइज करो मेरे साथ. कौन सा डिसीज पढ़ा है आज हमने? एड्स. इट्स लॉन्ग फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. कौन कॉज करता है ये? एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. हाउ इज द एचआईवी? इट इज अ टाइप ऑफ रेट्रोवायरस. रेट्रोवायरस मीन्स इट्स जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए, बट इन अवर बॉडी द आरएनए इज कन्वर्टेड टू डीएनए बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. और डीएनए हमारे डीएनए में ज्वाइन हो जाएगा, एंड दैट वायरल डीएनए विल प्रोड्यूस न्यू वायरल पार्टिकल्स. देन वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी. आउटर टू लेयर दे फॉर्म द लिपिड कोट. इन बिटवीन लिपिड कोट इट हैज अ ग्लाइकोप्रोटीन्स. टू टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स आर देयर, GP120 एंड GP41. इनर टू द लिपिड कोट टू प्रोटीन लेयर्स आर देयर. आउटर वन इज द मैट्रिक्स प्रोटीन P17. इनर वन इज द कैप्सिड प्रोटीन P24. एंड इनर टू दी फोर लेयर्स, सबसे अंदर है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, SSRNA, दो मॉलिक्यूल्स है, और उनके साथ में और क्या प्रेजेंट है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. स्फेरिकल इन अ शेप, 100 to 140 इन अ नैनोमीटर इन अ डायमीटर. कॉन्सेंट्रेशन एचआईवी का बॉडी में सबसे ज्यादा कहां पे मिलता है? कहां पे मिलेगा? ब्लड सीमेन CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. कम कॉन्सेंट्रेशन कहां पे रहता है? टीयर्स, मिल्क, यूरिन, सलाइवा, सर्वाइकल एंड वजाइनल सिक्रीशन. बट फिर भी ट्रांसफर सिर्फ 3 मेथड से होगा, अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, ब्लड रिलेटेड ट्रांसफ्यूजन एंड मदर टू चाइल्ड. सिम्टम्स 4 स्टेजेस में सिम्टम्स है. पहली स्टेज है इनिशियल इन्फेक्शन, जिसमें एचआईवी बॉडी में जाने के बाद बॉडी एंटीबॉडीज बनाएंगे इन 2 to 8 weeks. सेकेंड, असिम्टोमेटिक कैरियर. जिस इंसान के बॉडी में एचआईवी गया है ये इंसान अब असिम्टोमेटिक कैरियर रह सकता है, मतलब एचआईवी बॉडी में कुछ नहीं करेगा, एज इट इज पड़ा रहेगा वो. तो ये इंसान खुद कैरियर रह के दूसरे को इन्फेक्शन दे सकता है. कब तक वो कैरियर बना रह सकता है? फ्रॉम 6 months to 10 years. 10 साल तक भी उसे कुछ नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है. थर्ड स्टेज ARC, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, जहां पे सिम्टम्स दिखाई देना चालू हो जाएंगे. प्रोलॉन्ग्ड फीवर, नाइट स्वेट्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डायरिया कैन बी देयर,
ओके, वेट लॉस इज देयर, फटीग, तो ये इन्फेक्शन नॉर्मल इन्फेक्शन दिखाई देंगे. एट द लास्ट व्हेन द पर्सन फुल्ली डेवलप एड्स, फोर्थ स्टेज में जब एड्स पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तब क्या होगा, इट विल द पर्सन विल इन्वाइट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन. ऐसे इन्फेक्शन जो नॉर्मल हेल्दी इंसान को नहीं होंगे वो उसे होना चालू हो जाएंगे, लाइक न्यूमोनिया एंड ट्यूबरक्यूलोसिस. सो व्हाट इज द बेस्ट मेथड, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर. सारी मेथड को अवॉइड करो, अपने आप एचआईवी अवॉइड हो सकता है. एचआईवी हुआ या नहीं हुआ कैसा चेक करेंगे, डायग्नोसिस टू मेथड्स है वहां पे, एलाइजा, एंजाइम, लिंक, इम्यूनो सॉर्बेंट असे, सेकेंड वेस्टर्न ब्लॉट, दोनों मेथड से चेक करेंगे कि एंटीबॉडीज आपके ब्लड में है या नहीं. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रीटमेंट, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपीज और एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स आर देयर, बट ये ड्रग्स एचआईवी को पूरी तरीके से किल नहीं कर सकते, दे विल जस्ट रिड्यूस द वायरल लोड इन यूर ब्लड एंड कैन इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ दैट पर्सन, उसका लाइफ स्पैन कुछ साल से बढ़ा सकते हैं और वायरल पार्टिकल के लोड को, उनके काउंट को बॉडी में कम कर सकते हैं. ओके, सो विच आर दोज ड्रग्स, टीनोफोविन, इफेविरेंस, लैमिव्यूबिन, ठीक है. तो तीन अलग अलग ड्रग्स हैं जो कि एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं, जो कि एड्स को ठीक करने के लिए यूज किए जाते हैं. सो इट इज ऑल अबाउट द एड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल एंड एवरीथिंग. घर पे रीड करो, रिवाइज करो, जो भी आप बोर्ड पर देख रहे हो वीडियो पॉज करके ये पूरा लिख लिया करो आप लोग, ओके, नोट्स में अपने अपने, और हो सके तो चैप्टर खत्म होते आ रहा है तो घर पे जो एक्सरसाइज है अगर आप लोग नोट्स निकाल सकते हो, ओके, तो अपने घर पे जो एक्सरसाइज है चैप्टर के बैक में दी हुई वो एक्सरसाइज बुक में सॉल्व करना चालू करो. ओके, सो टुमारो वी विल मीट विथ अनदर लेक्चर, टिल देन बाय.